धार जिले के अंदर नर्मदा का पानी खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा, कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। हर क्षेत्र के अंदर नर्मदा के पानी से हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। किसी भी हालत में नर्मदा का पानी खेत खेत तक जाए। अरे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, और ऐसे आनंद के वातावरण में जब बदलते दौर का समय है, दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में जा रही है, ऐसे में हमारे अपने खेतों के अंदर पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए। और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरवे पड़ जाते हैं, तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक सोलर का सभी को बिजली कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटा ही खत्म करेंगे बिल भरने का। ये बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू होने वाली है, जिसके आधार पर हमारे गरीब आदमी भी घर में क्यों सुख की रात नहीं काटे, दिन भर मेहनत करके आते हैं, जाते हैं, अपने सारे जीवन के सभी कामों के साथ सक्षम लोग तो सब लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्यों नहीं कर पाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, टेक्सटाइल यूनिट के माध्यम से आपके यहां पीएम मेगा पार्क, मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1,00,000 लोगों को टेक्सटाइल में आपके यहां रोजगार देने का प्रबंध किया जाएगा। धार का नक्शा बदलेगा आने वाले समय में, 1,00,000 लोग किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने के लिए अगर काम का मौका मिलता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो दिल्ली से सोच करके कहते कि हाँ हमारे धार के भाई बहनों के पास रोजगार के मौके क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कल और आज हमने उज्जैन में बैठ करके इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, एक कॉन्क्लेव के माध्यम से आपके इस धार की धरती पर 20 से ज्यादा कारखाने लगाने के एमओयू करके फैसला किया है, जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे बदलते दौर का बदलता समय है, इस बदलते दौर के बदलते समय में आपको अपने को सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको निर्णय करना पड़ेगा। हमारे अपने जीवन में बदलते बदलाव में हम अपने आप को उसके अनुकूल ढालें। सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी, सरकार आपकी चिंता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ सरकार हमारी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, एक तरफ दूसरे लोग हैं जिनने 70 साल तक हमको मूर्ख बनाया। कांग्रेस का पंजा तो बताया, लेकिन हाथ पकड़ने से मना कर दिया, गरीब और गरीब होता गया, परेशान होता गया। और ये एक तरफ एक खानदान के लोग लगातार अपने बलबूते पर एक ही दौर के साथ वो जिस रूप में जिए, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी, ये नर्मदा जी को कोई रोक सकता था क्या? लेकिन नर्मदा जी की नर्मदा घाटी योजना को पूरा करने का अगर निर्णय किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। मुझे इस बात की खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नर्मदा जी का पानी लोगों के लिए पीने के भी काम में आ रहा है और खेती के भी काम में आ रहा है। अब अपने धार जिले का कोई भी गांव स्वच्छ पेयजल के लिए अपने नल से अपना जल, घर घर नल, ये मोदी जी का सपना लागू करने में धार भी आगे बढ़ेगा। पूरा धार जिले का प्रत्येक गांव इससे लाभान्वित होगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अपने इस क्षेत्र के अंदर वैसे तो संभावना बहुत ज्यादा है, और आज थोड़ी समय की कमी भी पड़ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप और अपने बीच में से जो समय मिल रहा है, इस समय में भी आज भी जब आया हूं तो लगभग 7,300 करोड़ से ज्यादा के
निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशी केंद्र, विभिन्न सड़कें, पुल, आवास, सभी का निर्माण कार्य करने का अभी अभी भूमि पूजन करके आपके बीच में से आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 7,500 करोड़ के आसपास के निर्माण कार्य कोई मामूली बात होती है? कितनी बड़ी बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इसी धार के अंदर लगभग आज ही आज में हमारे पास 309 करोड़ 58 लाख से 31 कार्यों का, जिसमें से 137 करोड़ की लागत से 689 पंचायतों में प्रधानमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत विभिन्न काम होंगे। अब आप खाली ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलता जाऊंगा। इतने सारे काम कोई कर सकता है क्या? अमृत 2 के माध्यम से 45 करोड़ की लागत से 5 बड़ी बड़ी टंकियां, फिल्टर प्लांट, ये अपने धार के अंदर होगा। जोरदार अभिनंदन करो, धार के अंदर आप आओगे तो शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। 42 करोड़ 93 लाख की लागत से तिरला निसरपुर बाग में नए आईटीआई का निर्माण किया जाएगा, नए आईटीआई बनेंगे। हमारे बच्चे बजाय कागज की डिग्री लेने के अपना जीवन बनाना है, आगे बढ़ना है, तो उनके हाथ में हुनर क्यों नहीं होना चाहिए? वो अपनी मर्जी के मालिक होकर के अपने हाथ में यश लेकर के अपनी जिंदगी अच्छी बनाए। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आईटीआई बनाने की हमने घोषणा की है। ये निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन हुआ है। और कलेक्टर साहब सुन लेना, अगले साल तक इनका लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा, ध्यान रखना। ये सारे के सारे निर्माण कार्य जो जो हम घोषणा कर रहे हैं, वो सारे के सारे निर्माण कार्य पूरे होना चाहिए। आज इस अवसर पर 38 करोड़ की लागत से कुक्षी सड़क निर्माण का भी यही भूमि पूजन किया गया है। कुक्षी वालों के लिए भी अभिनंदन करें। कुक्षी की सड़क लगभग 100 करोड़ हो गया, बचा क्या है? कौन है कुक्षी वाले? जोरदार ताली बजाओ कुक्षी वालों के लिए भी। 18 करोड़ 96 लाख की लागत से गंदवानी सेंदला पंथा डोबनी में बेराज पानी के बांध का निर्माण करना, जोरदार अभिनंदन करें। ये चारों गांव वालों के लिए 11 करोड़ 34 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमने कोविड में हॉस्पिटल की आवश्यकता समझी है, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से ये भी हमारे यहां बनाया जा रहा है। आज के अवसर पर 4 करोड़ 17 लाख की लागत से ज्ञानपरा तलावड़ी धुलेट में नए हाई स्कूल बनाने की भी यही घोषणा कर रहा हूं और उसका भूमि पूजन भी साथ साथ कर रहा हूं। अपने जितने प्रकार के निर्माण कार्य हैं और लोकार्पण है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बदलते दौर में, अभी तो हम सब भगवान राम की जय जयकार कर रहे हैं, एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, उधर से आवाज कम है, जय जय सियाराम। अच्छा अपने में से बताओ, भगवान राम का जंगल का आदिवासियों से 17 लाख